सेम चीज यहां पे करेंगे। तो और मान लो थोड़ा सा और एक केस ले लेते हैं, ये येलो कलर से लाइट है थोड़ा सा, बट सेम चीज कर रहा हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितने हो गए, मैं देखना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितने हो गए, तो क्या मैं बैठ के गिनती करना शुरू करूंगा? क्या मैं गिनूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या मैं ऐसे गिनती करूंगा? बताओ, क्या जरूरी है मेरे को इस तरीके से गिनती करना इस केस में? बताइए, कोई अनम्यूट करके भी बता सकता है कितने नंबर ऑफ बेंचेस हो गए? आपको इतना तो पता चल गया कि अगर बैठकर अगर हम एक एक केस गिनते रहेंगे, बैठ के अगर हम एक एक केस गिनते रहेंगे तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए? ओके, ग्रेट। तो मनदीप, केशव, अर्णव, विवेक, प्रियांश, सबके आंसर्स आ रहे हैं। ओके, तो केशव, केशव ने बहुत अच्छे से चैट में लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार केशव अनम्यूट करके बताए उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये गिनती कैसे क्यों? केशव बताओ। सर वहां पे सबसे पहले में जो फर्स्ट रो में जो जितने बेंच है उसको काउंट कर लिए और कितने रोज हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ बेंचेस आ गए। वेरी गुड। तो हमने देखा कि एक रो में कितने बेंचेस हैं? 7 बेंचेस हैं। और इस तरीके से कितने रोज हैं हमारे पास? ये हमने लिखा 7 बेंचेस पर रो। और हमने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से 5 रोज प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हमारे टोटल कितने बन गए? एक रो में 7 बेंचेस और इस तरीके से 5 है, तो मैं गिनूंगा नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, आई विल फाइंड आउट 7 × 5 का वैल्यू विच विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ बेंचेस विच इज 35, राइट? इस तरीके से हमने टोटल नंबर ऑफ बेंचेस निकाल लिया। तो अब ये वाली चीज ये आपको पहले से पता थी, ये क्या है? दिस इज बेसिक मल्टीप्लीकेशन जो बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से, ठीक है? तो अब परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज बहुत कम मिलने वाले, बट ये पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होगा। तो इस तरीके की काउंटिंग होंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, इस तरीके की काउंटिंग तो हम ऑलरेडी किए हुए हैं। अब 11th में अगर ये टॉपिक आया तो डेफिनेटली काउंटिंग के कुछ अलग अलग तरीके होंगे, तो हमको कुछ नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे काउंटिंग के, ताकि हम जल्दी केसेस को काउंट कर पाए, जल्दी केसेस को काउंट कर पाए, ठीक है? तो इसी के लिए आपको सीखना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपको सीखना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है? वेरी गुड ओम रंजन, अमृत कुमार, वेरी गुड, यस मनदीप, एग्जैक्टली, वी शुड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी फंडा सही था। सैफ, लेट अस गो अलोंग द फ्लो, मैं बताऊंगा कि कहां पे मुझे क्या डिफाइन करना है, ओके? एंड आई थिंक यू शुड रीनेम योरसेल्फ मिस्टर एक्स, सैफ अली, मिस्टर एक्स, पता है ना इमरान हाशमी की मूवी आई थी जिसमें वो चोर वोर था, उसमें उसने अपना नाम मिस्टर एक्स रखा हुआ था शायद। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया कि इस टॉपिक में हमको कुछ पर्टिकुलर तरीके सीखने होंगे जिससे हम अपनी गिनती को जल्दी जल्दी कर पाए। तो पहला आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रीड कीजिए एक बार, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज, then the total number of different ways of simultaneous occurrence of both the events in a definite order is m into n. हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश हो गया हो तो समझने में दिक्कत हुई हो। ये कह रहा है कि अगर एक इवेंट है, अगर है एक इवेंट वन मान लो, जिसको हम कर सकते हैं m नंबर ऑफ वेज में, एक इवेंट है जिसको हम m नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं, और इसके बाद एक और इवेंट है इवेंट टू, एक और इवेंट है इवेंट टू जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं एन नंबर ऑफ वेज में, जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं एन नंबर ऑफ वेज में। एक मिनट गाइस, ओके, तो इवेंट वन इज एम नंबर ऑफ वेज एंड इवेंट टू इज एन नंबर ऑफ वेज। इवेंट वन जो है
वो m नंबर ऑफ वेज है और इवेंट टू जो है वो n नंबर ऑफ वेज में, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, हम इन दोनों इवेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इन दोनों इवेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब इवेंट वन को भी और इवेंट टू को भी, दोनों करना चाहते हैं। तो ये मेथड कहता है कि अगर आपको दोनों को परफॉर्म करना है, आपको इवेंट वन भी करना है एंड इवेंट टू भी करना है, तो इस केस में जो आपके टोटल नंबर ऑफ केस होंगे दैट विल बी m into n number of ways, that will be m into n number of ways, ठीक है? Am I clear? एक example से इसको समझते हैं तो ताकि और ज्यादा easy होगा। Yes Ujjwal, बताइए। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रहा है एक बार हैंड रेस कीजिएगा। आप में से कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है एक बार हैंड रेस कीजिएगा। हैंड रेस कीजिएगा, कितने लोग हो? उज्जवल सिर्फ अभी तक किसी ने हैंड रेस किया नहीं है और आई थिंक थोड़ा सा आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू होगा। ईयरफोन्स यूज कर लो साथ ही साथ। हाँ, आ गया आवाज, चलो बढ़िया। तो मैं कह रहा था कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर आपको एक चीज करने के m नंबर ऑफ वेज है और फिर दूसरी चीज को करने के n नंबर ऑफ वेज है, पहली चीज को करने के m नंबर ऑफ वेज है, दूसरी चीज को करने के n नंबर ऑफ वेज है, तो दोनों चीजों को करने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? दोनों चीजों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? दैट विल बी m into n। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद एन एग्जाम्पल। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है? यस मनदीप, कह सकते हो। इस एग्जाम्पल को समझते हैं अभी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन ट्रेवल फ्रॉम T1, T1 इज टाउन वन, ओके, टू टाउन थ्री वाया टाउन टू। तो ये कह रहा है कि आपको टाउन वन से टाउन थ्री पे जाना है, टाउन वन से टाउन थ्री पे जाना है, लेकिन आप टाउन टू से होकर जाओगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे मुझे जाना है, मान लो दिल्ली से असम जाना है, दिल्ली से असम जाना है, लेकिन मैं वाया बिहार होकर ही जाऊंगा। दिल्ली से असम जाना है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये मेरा दिल्ली है, ये मेरा असम है। तो दिल्ली से मैं असम में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे को बिहार होकर जाना पड़ेगा, बिहार होकर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि आप कितने तरीके से दिल्ली से बिहार असम पहुंच सकते हो, और इसके लिए आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली से बिहार जाने के तीन अलग रास्ते हैं, दिल्ली से बिहार जाने के तीन अलग रास्ते हैं, R1, R2, R3, Route 1, Route 2, Route 3, एंड बिहार से असम आगे जाने के दो रास्ते हैं, तो उसको मैंने नाम दिया हुआ है Route 4 और Route 5, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। अब इसको अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, थोड़ा सा इमेजिन करो केसेस के बारे में, तो क्या हो सकता था गाइस, अगर मैं कोई एक केस लेता हूं, मान लो कि आप सबसे पहले कहां पे खड़े हो, आप दिल्ली पे खड़े हो, आप T1 पे खड़े हो, दिल्ली पे खड़े हो, आपने पहले कौन सा रूट पकड़ा, हो सकता था आपने पहले R1 पकड़ा, R1 पकड़ के आप कहां पे पहुंचे, R1 देख रहे हो, ये पहला रास्ता पकड़ा आप, और पहला रास्ता पकड़ कर आप T2 पे पहुंच गए, बिहार पे पहुंच गए। अब आप बिहार से आगे जाना चाहते हो असम, तो बिहार से असम जाने के आगे भी दो रास्ते हैं, तो हो सकता था कि आपने या तो R4 पकड़ा है या फिर R5 पकड़ा होगा, या तो R4 पकड़ा था आपने या फिर R5 पकड़ा था आपने, तो यहां से भी आप T3 पहुंच गए और यहां से भी आप T3 पहुंच गए। यस केशव, आयुषी, वेरी गुड वेरी गुड, यू गॉट द आंसर। तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या ये केस को, कि पहले आप T1 पे थे, T1 से आपने पहला रास्ता पकड़ा R1, वहां से T2 पे पहुंचे, T2 पे पहुंचने के बाद आपने मान लो R4 वाला रास्ता अपनाया और आप पहुंच गए T3 पे, ये हो सकता था, या फिर आपने T1
से आपने R1 ही पकड़ा, T2 पे पहुंचे, लेकिन इसके बाद आप पहुंच गए R4 पे, और अब आप यहां से T, आपने R4 की जगह इस बार R5 पकड़ा, R5 पकड़ा तो भी आपके कितने के, ये भी एक आपका सिनेरियो बन गया, राइट? ये भी आपका एक सिनेरियो बन गया। इमेजिन कर पा रहे हो केसेस को, T1 पे थे, T2 पे गए R1 के रास्ते से, R1 के रास्ते से T2 पे पहुंचे, उसके बाद T2 से आगे बढ़ने के लिए आपने इस वाले केस में R4 को पिक किया, इस वाले केस में आपने R5 को पिक किया, तो दोनों अलग अलग वेज हो गए, दोनों अलग अलग वेज हो गए, क्योंकि एक वाले में आप R4 होकर गए थे और दूसरे वाले में आप R5 होकर गए थे। मनदीप और अमृत का भी आंसर आ चुका है। अब इस तरीके से अगर और केसेस के बारे में सोचे तो हो सकता था T1 पे खड़े होकर इस बार आप R1 नहीं, आपने R2 से शुरुआत किया, R2 से शुरुआत कर आप T2 पे पहुंचे, T2 पे पहुंचने के बाद आपने R4 पकड़ा, क्योंकि क्योंकि T2 के आगे बढ़ने के लिए मेरे पास या तो R4 रास्ता है या फिर R5 रास्ता है, तो आपने R4 पिक किया, R4 पिक करने के बाद आप T3 पे पहुंचे, या फिर T1 पे आकर आप R2 पिक किए, T2 पे पहुंचे, R5 पे, उसके बाद आपने R5 लिया और फिर T3 पे गए। तो नोटिस कीजिए, जैसे यहाँ R4 और R5 था, यहाँ पे भी R4 और R5 आया है, लेकिन अब ये अलग अलग वेज है, ये सब अलग अलग वेज हो गए, राइट? सब अलग अलग वेज हो गए। प्रियांशु, सैफ, श्रेष्ठ, अमृत, सबके आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। तो कहीं ना कहीं इतना तो आप सब इमेजिन कर पा रहे हो कि इस तरीके से अगर हम गिनती करते हैं, इस तरीके से अगर हम लोग गिनती करते हैं तो हमारे जो केसेस है हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या हमको एक्चुअली में इस तरीके से केसेस बनाने पड़ेंगे? बिकॉज ये तो मैंने छोटा छोटा केस दिया, क्या पता कि ये तीन रास्ते के जगह पे 30 रास्ते हो और यहाँ पे R4 R5 के जगह दो रास्ते के जगह पे 20 रास्ते हो, तो उस केस में तो इस तरीके से केसेस बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इनफैक्ट अगर आप सॉल्यूशन पे आओगे तो यही कहीं ना कहीं केसेस बनते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन बना रखा है यहाँ पे इसी तरीके से, जो मैंने स्टार्टिंग के चार केसेस अभी आपको बना के दिखाए थे, और इसके आगे और दो केसेस ही बनते हैं। तो टोटल कितने केसेस हो गए उस हिसाब से? टोटल 6 केसेस हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा वो डायग्राम को बनाना पड़ गया, और पूरा डायग्राम को बनाना पड़ गया तो वहां टाइम ज्यादा लगा, और यहाँ क्या मैंने अभी तक जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बताया वहां पे कुछ मैंने डिस्कस किया क्या बच्चों? नहीं किया। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम एफपीसी से करते, एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते, तो वो मेथड क्या कहता था याद करो? वो मेथड कहता था एक चीज को करने के अगर एम तरीके हैं, दूसरे चीज को करने के अगर एन तरीके हैं, तो दोनों चीजों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एम इंटू एन। तो यहां पे अगर आप देखोगे गाइस, तो यहां पे T1 से T2 जाने के तीन रास्ते थे, T2 से T3 जाने के दो रास्ते थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस हिसाब से कितने होना चाहिए? क्योंकि मुझे T1 से T2 भी जाना है और T2 से फिर T3 भी जाना है, तो मुझे दोनों करना है, मैं सिर्फ एक नहीं करने वाला, मैं दोनों करने वाला। तो T1 से T2 जाने के तीन रास्ते थे, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, T2 से T3 जाने के दो रास्ते थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा उस हिसाब से? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, राइट? यस मंदीप, विवेक 5 नहीं होगा, विवेक क्योंकि 5 नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको यहां से आगे बढ़ने के यहाँ पे 3 वेज हो गए, यहां से यहां जाने के 2 वेज हो गए। अब हो सकता है कि आपके मन में डाउट आया हो कि 3 + 2 = 5 क्यों नहीं हुआ, तो मेरा उसका आंसर है उसके लिए, मेरे लिए उसका आंसर ये है कि जब आप T1 से T2 पे गए थे, जब आप T1 से T2 पे गए थे विवेक, तो आपके पास तीन अलग अलग चॉइस थे। मान लो आपने पहला चॉइस पिक किया, तो उस पहले चॉइस के लिए जैसे यहां देखिए ना, आप मान लो कि T1 से T2 में पहले आपने R1 पिक किया, तो R1 पिक करने के बाद आगे जाने के लिए आपके पास कितने केसेस थे? तो आपके पास R4 भी था, आपके पास R5 भी था। तो जब आपने R1 चूज किया, तो R1 चूज करने के बाद आगे आपके पास फर्दर कितने केस थे? दो केसेस थे। मान लो कि आपने R1 की जगह R2 चूज किया,
तो आर वन की जगह आर टू चूज करने के बाद फर्दर आगे आपके पास कितने तरीके थे? दो तरीके थे। आर टू की जगह आपने आर थ्री चूज किया, आर टू की जगह अगर आपने आर थ्री चूज किया उसके लिए फिर आगे कितने वेज थे? दो वेज थे। तो टोटल कितने वेज हो गए? छह वेज हो गए। ऐसा है कि जब आप कोई भी रास्ता पकड़ रहे हो ना, कोई भी एक रास्ता आपने पकड़ा टी टू पे पहुंचने के लिए, मतलब दिल्ली से जब बिहार पहुंचे कोई भी रास्ता पकड़ा, तो बिहार से आसाम आगे जाने के लिए आपके पास फर्दर दो रास्ते थे, फर्दर दो रास्ते थे। तो पहला रास्ता पकड़ा उसके लिए भी आगे दो था, दूसरा रास्ता पकड़ा उसके लिए भी आगे दो था, तीसरा रास्ता पकड़ा उसके लिए भी आगे दो था। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 2+2+2 6 हो गए। ठीक है, 2+2+2 6 हो गए। एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं। मान लो एक एग्जांपल मैं खुद लिखता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद एक दो लोगों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो एक एग्जांपल एकदम आसान सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि विराट कोहली हैज फोर शर्ट्स एंड थ्री ट्राउजर्स, फोर शर्ट्स एंड थ्री ट्राउजर्स। तो मेरा क्वेश्चन होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन ही वियर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। कितने तरीके से वो एक शर्ट और एक ट्राउजर को पहन सकता है? विराट कोहली का नाम आने के साथ साथ लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। मनदीप, केशव, हर्ष, श्रेष्ठ, उज्जवल, प्रियांशु, आयुषी, मनदीप, पल्लवी, अमृत, सैफ, विवेक, वेरी गुड, गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो यहां पे आंसर हो गया 12। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे उसको दो काम करना था। उसको क्या क्या काम करना था? उसको एक शर्ट भी पहनना है और उसको एक ट्राउजर भी पहनना है। एक शर्ट भी पहनना है और उसको एक ट्राउजर भी पहनना है। अब शर्ट कितने शर्ट दिए हैं मैंने उसको? मैंने उसको चार शर्ट दिए हुए। तो कितने तरीके से पहन सकता है? फोर वेज, राइट, फोर वेज। अच्छा, ट्राउजर कितने तरीके से होगा? थ्री वेज होगा। और मैंने बोला है कि एक शर्ट और एक ट्राउजर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ शर्ट पहन के आ गया या सिर्फ ट्राउजर पहन के आ गया। उससे शर्ट भी पहनना होगा और उसको ट्राउजर भी पहनना होगा। तो शर्ट पहनने के चार रास्ते हैं, ट्राउजर पहनने के तीन रास्ते हैं, क्योंकि उस बेचारे को दोनों करना है, बेचारे विराट कोहली को दोनों करना है, उसको शर्ट भी पहनना, उसको ट्राउजर भी पहनने का ऑर्डर दिया मैंने। तो अब दोनों करेगा, मतलब ना ही एक छोड़ेगा ना ही दूसरा छोड़ेगा, दोनों को करना है उसको, दोनों को करना है। तो दोनों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? दोनों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 × 3 = 12। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आयुषी, आई डोंट थिंक माई वॉइस इज लैगिंग। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को इस एग्जाम्पल में दिक्कत है तो एक बार हैंड रेस कर सकते हो। किसी को अगर इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा और फिर आप पूछ सकते हो कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। एनीवन? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इमेजिन कर सकते हो, प्रॉपर रियल लाइफ सिचुएशन है। टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव सिनेमा हॉल बाय अ डिफरेंट डोर। एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक इंसान एक सिनेमा हॉल में घुसता है और उसको बाहर निकलना है। ठीक है, तो सिनेमा हॉल में आपको पता है कि सिनेमा हॉल को एंटर करने के एक से ज्यादा दरवाजे होते हैं, ठीक है, और निकलने के भी एक से ज्यादा दरवाजे होते हैं। तो मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, और ये मैंने पांच रास्ते दिए हुए हैं, D1, D2, D3, D4, D5, ओके, D1,
D2, D3, D4, D5, ये मैं कह रहा हूं कि ये पांच दरवाजे हैं जहां से आप घुस सकते हो या निकल सकते हो सिनेमा हॉल में। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक इंसान, मान लो आप खुद, आप अगर इस सिनेमा हॉल में एंटर करते हो और बाहर निकलते हो, तो कितने तरीके से आप इसमें एक दरवाजे से घुसकर कोई दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकते हो? इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव बाय अ डिफरेंट डोर? इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि जब आप किसी एक दरवाजे से एंटर किए ना हॉल के अंदर, तो जब आप निकल रहे हो तो आपने वही दरवाजा नहीं चूज किया, आप कोई दूसरे दरवाजे से बाहर निकल कर आओगे। तो बताओ कितना होगा इसका आंसर? हर्ष गलत है, उज्जवल गलत है, सैफ गलत है, अर्णव गलत, श्रेष्ठ गलत, विवेक गलत, मंदीप पहला स्टूडेंट है जिसने सही आंसर किया है, पल्लवी गलत है, अदिति, हर्ष गलत, हर्ष सही है, हर्ष सही है, तो मंदीप के बाद हर्ष ने सही किया, केशव ने सही किया है, आयुषी गलत है, अर्णव सही है, वेरी गुड, श्रेष्ठ नाउ इट्स करेक्ट, ओम रंजन गलत। इमेजिन करो गाइज, इमेजिन करो, वेरी इंटरेस्टिंग राइट, व्हाट इज द सिचुएशन? यस मंदीप एग्जैक्टली, सिचुएशन खुद सोचो ना, आपके पास, आप जब एंटर कर रहे थे तो आपके पास कितने रास्ते थे एंटर करने के, और जब आप बाहर निकल रहे थे तो आपके पास कितने रास्ते थे बाहर निकलने के लिए, बस इतना ही तो सोचना है। तो धीरे धीरे लोगों के आंसर सही हो रहे हैं, अमृता ने आंसर सही किया है, अभिषेक ने सही किया है, अभी अमृत, पल्लवी, उज्जवल गलत है, आयुषी गलत, चेक करो, इमेजिन करो गाइस, विवेक वेरी गुड, सोनी गलत, आयुष गलत, सैफ, सैफ एक ही आंसर बार बार लिख रहे हो, क्या फायदा, एक ही आंसर बार बार लिख रहे हो सैफ, आप यहां पे दो काम करने वाले हो गाइस, ट्राई टू थिंक, जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलती नहीं हो जाए, ये कुछ ऐसी चीजें जो आपने 9-10 में नहीं पढ़े, अभी आपको पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ा IQ लगाओ, एंटर करने के कितने रास्ते हैं एंड एग्जिट करने के फिर कितने रास्ते हैं, आपको दोनों करना है। आप अगर हॉल में घुसे हो तो आप हॉल में अभी जिंदगी भर नहीं रहने वाले, आप हॉल से बाहर भी निकलोगे, ठीक है? या पल्लवी वो गलत है, उज्जवल गलत, आयुषी गलत, ओम गलत, चमन गलत, अमृत गलत। चलो आई थिंक एनफ टाइम मिल गया, अब मैं आपको समझाता हूं कहां पे आपसे गलती हो रही है, मैं समझाता हूं, देखो आयुष सही है, अभी सुनो, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले सिनेमा हॉल में एंटर करोगे, लेकिन सिनेमा हॉल में एंटर करने के कितने रास्ते हैं, कितने, जिन 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 लोगों का आंसर गलत है वो पार्टिसिपेट करें, सिनेमा हॉल में एंटर करने के कितने रास्ते हैं, वेरी गुड पल्लवी, इनफैक्ट पल्लवी एक बार आप अनम्यूट करके खुद बताओ, आपने जो आंसर अभी बताया है, सिनेमा हॉल में एंटर करने के कितने रास्ते, बताओ अनम्यूट करके बोलिए, क्या हो गया पल्लवी, आवाज नहीं आ रही क्या, आई थिंक उसका थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो आयुषी आप जो बता रहे थे वो बताओ, कितने कितने रास्ते हैं एंटर करने के, फाइव वेज है राइट, हम या तो D1 पकड़ेंगे या D2 या D3 या D4 या D5, तो देयर आर फाइव वेज। एग्जिट करने के कितने रास्ते हैं, फाइव नहीं है बिकॉज ये लाइन आप मिस कर गई हो, यू विल लीव बाय अ डिफरेंट डोर, ओके तो फोर वेज है, फोर वेज है एग्जैक्टली, बिकॉज आपने मान लो अगर आप D2 से गए, सेकेंड दरवाजे से अगर आप एंटर किए हो, तो आप बाहर निकलने के टाइम पे आप सेकेंड दरवाजे को पिक नहीं करोगे, तो आप बाकी चार को करोगे, तो एग्जिट करने के चार वेज है। अच्छा अब मेरे को पहला काम भी करना है, मुझे एंटर भी करना है, मुझे एग्जिट भी करना है, तो मुझे दोनों काम करने हैं राइट, दोनों काम करने हैं, तो मुझे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाना चाहिए क्या? मल्टीप्लीकेशन वाला रूल आपको यही कहता है ना कि जब आप दोनों काम करोगे एक के बाद एक, अगर हम दोनों काम करना चाहते हैं तो हम दोनों काम के इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 into 4
20 वेज आपका आंसर हो जाएगा. यस सर. ठीक है, ग्रेट. तो आई बिलीव आप सबको समझ में आया होगा. देखो, ट्राई टू थिंक फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में समझो इसको. एक चीज को करने के 5 तरीके थे, दूसरे चीज को करने के 4 तरीके थे. आपको दोनों काम करना था. आप पहला काम भी करोगे, आप दूसरा काम भी करोगे. आप कोई एक छोड़ने वाले नहीं हो, तो दोनों काम करोगे, एक के बाद एक करोगे. ठीक है, तो एक के बाद एक अगर मुझे दोनों काम करना है, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल इतना ही कहता है कि आप दोनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 × 4 करोगे, 20 हो गया. ये 20 तरीके हैं जहां पे आप दोनों काम को कर सकते हो साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक आप दोनों काम को 20 तरीके से कर सकते हो. ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन वाला वही बना के रखा था कि अगर आप नॉर्मल मतलब काउंटिंग करते, अगर हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करते काउंटिंग करते, तो कोई किसी इंसान ने D1 रास्ता पकड़ा, तो D1 रास्ते से जब वो एंटर किया तो एग्जिट करने के उसके पास कितने रास्ते थे? तो D2 से निकल सकता था, D3 से निकल सकता था, D4 से निकल सकता था, D5 से निकल सकता था. तो 4 वेज है. इसी तरीके से यहाँ पे भी उसको 4 वेज मिलते, तो ऐसे 4 करके 20 हो जाता. लेकिन वही अगर हम मल्टीप्लीकेशन लगाते, तो बाय FPC अ पर्सन कैन एंटर इन सिनेमा हॉल बाय 5 वेज. एक पर्सन जो है वो सिनेमा हॉल में 5 तरीकों से एंटर कर सकता है एंड लीव कर सकता है 4 तरीके से. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 5 × 4 = 20. गाइस, इंपॉर्टेंट चीज ये ना, एंड जो होता है, आप इसको ऐसे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि जब ये एंड होता है ना, जब दो चीजों को, दो इवेंट को जब एंड जोड़ता है बीच में, तो वो एंड एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसका कैलकुलेशन आप कर रहे होते हो. तो एंड विल गेट कन्वर्टेड टू मल्टीप्लीकेशन. अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन डाला हुआ है. क्वेश्चन क्या है? इफ अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव बाय एनी डोर. तो मैंने अपना कंडीशन हटा दिए, तो आंसर कितना होगा अभी? अगर पर्सन जो है किसी भी दरवाजे से घुस सकता है और किसी भी दरवाजे से निकल सकता है, तब कितना होगा आंसर? राइट. तो अभी मेरे को लोगों का सही आंसर आ रहा है. चलो मैं किसी उनमें से, जिन लोगों ने आंसर किया उनमें से किसी को बोलता हूं. चलो मनदीप, मेरे को समझाओ अभी क्या होगा इसका आंसर. सर इसका आंसर 25 होगा, क्योंकि सर अगर हम किसी भी डोर से एंट्री करते हैं, फिर किसी भी डोर से एग्जिट करते हैं, तो मेरे पास टोटल एंट्री के लिए भी 5 डोर्स हो गए और एग्जिट के लिए भी 5 डोर्स. एग्जैक्टली. तो एंट्री के लिए भी हमारे पास 5 तरीके हैं और एग्जिट के लिए भी हमारे पास 5 तरीके हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसीलिए कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. राइट, क्योंकि मुझे दोनों काम को परफॉर्म करना है. वेरी गुड मनदीप, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. तो फाइनली ये जो 2-3 केसेस हमने देखा, तो इसमें जो स्टेप्स हमें याद रखना है, पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन प्रॉब्लम. कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसके अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कितने हैं, अलग अलग इवेंट कितने हैं. सेकेंड स्टेप में क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग और ऑकरिंग ऑफ ईच इवेंट. जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन था कि आप एंटर करोगे एग्जिट करोगे, तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट इवेंट थे, एक एंट्री का था और एक एग्जिट का था. सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग और ऑकरिंग ऑफ ईच इवेंट. हर एक इवेंट के करने के कितने रास्ते हैं, आप वो निकालिए. और तीसरा स्टेप कहता है मल्टीप्लाई दीज नंबर्स टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग और ऑकरिंग ऑफ ऑल द इवेंट. तो जब आपने इंडिविजुअल इवेंट के रास्ते निकाल लिए, तो उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट मिल जाएगा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द इवेंट मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ. तो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन दिया हूं, इसको सॉल्व करो. मैं एक पोल बनाता हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक पोल बनाता हूं, पोल में पार्टिसिपेट करना. सबको सॉल्व करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन एकदम. अगर आपके सामने 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे?
ओके तो कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं पोल शुरू करता हूँ। तो मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पे व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन लिखा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पार्टिसिपेट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ लोगों लोग यहाँ पे मेनली किसको आंसर कर रहे हैं। मैं कोई भी आसान सा क्वेश्चन अब नहीं पिक कर रहा हूँ, मुश्किल मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे लोगों के मिक्स रिस्पॉन्सेज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। 30 सेकंड हुए, 30 सेकंड में 60% लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी ट्राई करें, 1 मिनट होते ही मैं पोल को एंड कर दूंगा। 45 सेकंड्स डन। एक मिनट हो गया, मैं ये पोल को एंड कर रहा हूं और आपके साथ रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए में 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 32%। ऑप्शन बी में 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 26%। ऑप्शन सी में भी 5 लोग है, 26%। एंड ऑप्शन डी में 3 लोग है, 16%। राइट, तो मेजोरिटी ने यहां पे क्या मार्क किया? अब चारों देखो, लॉजिकली चारों में से कोई एक ही सही आंसर है, चारों में से कोई एक ही सही आंसर है, राइट? और चाहे वो ऑप्शन ए सही हो, चाहे वो ऑप्शन बी सही हो, मैक्सिमम अगर किसी ने मार्क किया है तो ऑप्शन ए को मार्क किया है, और 19 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। मतलब अगर अगर ऑप्शन ए सही होता है तो भी 19 में से 6 लोग सही थे, 13 लोग गलत थे, राइट? तो चलो हम समझते हैं कि यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होता। In an examination of 10 true false questions, how many sequence of answers are possible? ये line ही बहुत important है। How many sequence of answers are possible? इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही question थे। अभी ये 10 है ना? मैं पहले 2 question का फंडा लेता हूँ। 2 question का फंडा लेता हूँ। ठीक है? 2 question थे। Question number 1, question number 2। अब हो सकता था कि किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू या फॉल्स मार्क किया, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी ट्रू या फॉल्स मार्क किया। अब ऐसा है सिचुएशन गाइस कि आप दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो, दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो का मतलब क्या है कि आप यहां पे क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है, मतलब आता है तो सही मार्क करोगे जो आपको लगता है, नहीं आता है तो तुक्का मारोगे। ठीक है, बट The main thing is, you have to think about the possibilities. क्या possibility हो सकती थी? तो देखो, ये मान लो एक question number 1 के लिए है, ये question number 2 के लिए। तो question number 1 को attempt करने के कितने रास्ते हैं? Question number 1 को attempt करने के कितने रास्ते हैं? अगर मैं आपको सारे cases लिख दूँ सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम सारे cases लिख देते हैं। तो ये हो सकता था कि आपने दोनों में true mark किया है, या फिर पहले में ट्रू दूसरे में फॉल्स मार्क किया है, या फिर पहले में फॉल्स दूसरे में ट्रू मार्क किया है, या फिर दोनों में फॉल्स मार्क किया है। हो गए चार रास्ते हो गए। मान लीजिए कि यहां पे 3 क्वेश्चन थे, 2 के जगह पे 3 क्वेश्चन थे, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को भी सॉल्व करने के 2 रास्ते, Q2 को सॉल्व करने के 2 रास्ते ट्रू या फॉल्स, एंड Q3 को भी सॉल्व करने के 2 रास्ते ट्रू और फॉल्स। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हो सकता था, जैसे वो 3 कॉइन को टॉस करने वाला केस नहीं बनता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी केस बनेगा। या तो आपने तीनों में ट्रू मार्क किया था, या तो किसी दो में ट्रू था, तीसरे में फॉल्स था, तो किसी दो में ट्रू तीसरे में फॉल्स। ठीक है ना? तो ये अभी जो 3 केसेस लिखे इसमें किसी 2 में ट्रू था, 1 में फॉल्स था। आगे अब 2 फॉल्स 1 ट्रू वाला करते हैं, 2 फॉल्स 1 ट्रू। और आखिरी में 3 फॉल्स। तो ये कितने केस हो गए? ये हो गए हमारे पास 8 तरीके।
ये हो गए हमारे पास आठ तरीके। ये आठ तरीके कब है? जब तीन क्वेश्चंस है, जब तीन क्वेश्चंस है। जब दो क्वेश्चंस थे तब कितने तरीके थे? चार तरीके थे, ठीक है। अब इसको क्या मेरे को बार बार इतना केसेस बनाना पड़ेगा क्या? तब तो भाई दस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे, दस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे। तो नहीं गाइज, आपको केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, तो यहां क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब कोई, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के हो सकता था। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी डन इन टू वेज। पहला क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते थे अटेम्प्ट? दो तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते थे? टू वेज। थर्ड क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते थे? अगेन टू वेज। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को करने के कितने रास्ते हैं? हर एक क्वेश्चन को, इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने रास्ते हैं? टेंथ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के कितने रास्ते होते हैं? टू वेज ही होते ना। तो गाइज अगर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के उतने ही रास्ते हैं, और क्योंकि मुझे सारा काम करना है, मुझे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहला को भी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद दूसरे को भी करना है, उसके बाद तीसरे को भी करना है, उसके बाद ऐसे करते करते दसवें क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, of attempting all the questions is equal to 2 into 2 into 2. कितना बार 2 multiply हो रहा है ये? कितना बार? 10 times? है कि नहीं? This is getting multiplied for 10 times, right? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 to the power 10. मैं सबको unmute करने का option दे रहा हूँ यहाँ पे। जिसको जो दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हो, प्लीज कोई शोर शराबा नहीं करेगा, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। समझ में आया क्या? पहला क्वेश्चन को करने के दो तरीके, दूसरे क्वेश्चन को करने के दो तरीके, तीसरे क्वेश्चन को करने के दो तरीके, इस तरीके से दसवें क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। अब क्योंकि मुझे सारे काम करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन था जो हम दो केसेस के लिए देखते थे, अब ये दस केसेस में भी काम कर रहा है, और ये ऐसे ही पचास केसेस में भी काम करेगा। तरीका क्या था? दस काम करने थे, पहला काम को करने के जितने तरीके हैं, दूसरे काम को करने के जितने तरीके, तीसरे काम को करने के जितने तरीके। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन में दो वे है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, विवेक आपकी आवाज पूरी कट रही है, आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगा आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, बहुत आवाज कट रही है आपकी। सर में सेकंड में भी दो वे है। हाँ आप तो थ्री विवेक आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। पावर टू हो रहा तो सिक्स होगा उस टाइम के सर। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बताओ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दो भी है। हाँ और सेकंड में भी दो है, और हाँ। तो दो भी है तो थ्री का पावर टू होगा। हाँ तो सर थ्री का पावर टू कैसे? तो थ्री का पावर सर टू, टू का पावर टू है, जैसे यहाँ पे टू का पावर टेन है यहाँ पे। हाँ
तो थ्री का पावर सर थ्री होगा ना? कैसे होगा? आप समझे नहीं हो। पहला क्वेश्चन को खाली, सिर्फ पहला क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, खाली दूसरे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, खाली तीसरे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ऐसे करते करते किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो इस तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उस केस में इंडिविजुअल केसेस को मल्टीप्लाई करोगे, इंडिविजुअल केसेस को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लीकेशन वाला प्रिंसिपल भी तो यही कहता है ना? यस सर, तो समझ गए, अब समझ गए। हर्ष एक बार आप अनम्यूट करके पूछो जो पूछना चाहते हो। हर्ष अनम्यूट करके पूछो। मैं चाहता हूं कि आप अपना डाउट यहां पे क्लियर करो। मैंने पहले ही बताया कि ये इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आप ये समझ गए ना तो आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को समझे हो। 19 में से 5 लोगों ने खाली मार्क किया था। हाँ हर्ष बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग हर्ष। सर जैसे आपने पहले बोला कि एंड होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है, तो एंड तो वाला वो यहाँ पे सर और आ रहा है ना? और नहीं आ रहा। देखो आप वो जो एंड वाला फंडा है ना, वो एक्चुअली में ये है कि काम के बीच में एंड होता है। जैसे कि मैंने जब विराट कोहली वाला एग्जांपल दिया था। यस सर। कहाँ गया? हाँ, ये विराट कोहली वाला एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि वहां पे उसको दो काम करने, शर्ट पहनना है, पैंट पहनना है। तो ये एंड वर्ड था, he will have to wear a shirt and a trouser, ठीक है? तो एंड आया था। तो वहां पे हमने क्या किया, वहां मल्टीप्लीकेशन किया। अगला एग्जांपल पे आते हैं, ये जो हॉल वाला हो गया, तो यहाँ पे एंटर एंड एग्जिट, एक काम था एंटर करने का एंड देन ही विल एग्जिट। तो वहां पे दो काम के बीच में एंड आ रहा था ना, दो काम के बीच में एंड आ रहा था, तो वो एंड के कारण मल्टीप्लीकेशन हुआ। अगला एक केस था, यहाँ पे भी ना यही लॉजिक है कहीं ना कहीं। क्या लॉजिक है यहाँ पे कि हम लोग जब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में भी क्या होगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इनटू नहीं, मान लो मैं एंड बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पे सारे पेपर्स को, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्टेड, राइट? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे एंड आ रहा है। yes, अब ये इंडिविजुअल काम को करने के ना, इसको करने के टू वेज है, इसको करने के टू वेज है, आगे करने के टू वेज है। तो एंड के कारण ये इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, तो इसीलिए टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बिल्कुल। एनीवन एल्स? आप समझ रहे हो गाइस, ये एंड वाला क्या है ना कि ये इवेंट्स के बीच में एंड आ रहा है। अब एक इवेंट को करने के 5 तरीके हैं, दूसरे इवेंट को करने के 7 तरीके हैं, और आप इवेंट 1 एंड इवेंट 2 दोनों परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करोगे, 5 × 7 करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये किस दूसरे का वो है, अच्छा ये पीछे हो गया था। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम फंडे के ऊपर है, अब थोड़ा सा लेवल नीचे कर दिया ताकि अब यहाँ पे ज्यादातर लोग कर पाए, और मैं पोल यहाँ भी शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है वैसे, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। मतलब कि अगर मैं आपको ये 5 डिजिट दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इन 5 डिजिट के हेल्प से 3-digit नंबर बनाइए, लेकिन जितना कोई भी 3-digit नंबर में ना रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने नंबर में 1 यूज कर लिया है मिडिल प्लेस पे, तो उस 1 को आप ना ही फर्स्ट प्लेस पे यूज करोगे और ना ही थर्ड प्लेस पे यूज करोगे, ठीक है? तो कोई भी नंबर बनाओगे तो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3-digit का होना चाहिए। तो चलो ट्राई करो, पोल शुरू करता हूं। पोल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लगभग 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। गुड, 25 सेकेंड के अंदर 33% लोग ने पार्टिसिपेट कर लिया है पोल में।
45 सेकंड हो गया है, 15 लोग पार्टिसिपेट कर चुके 24 में से, और 45 सेकंड बचे हुए हैं। मेजॉरिटी जो है अभी फिलहाल गलत आंसर की तरफ है। डोंट वरी, यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको पहले कहीं भी नहीं देखे थे, दो चार गलतियां तो चलती हैं। गुड, 75% लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, 20 सेकेंड बचे हुए हैं और बस आपके पास। वेरी गुड, 24 में से 19 हो गए हैं, 5 लोग बचे हुए हैं। 10 सेकेंड मोर, 10 सेकेंड है और 20 लोग हो गए हैं। गुड गुड गुड। एंड फाइनली यहां पे मैं एंड कर रहा हूं पोल को। इसके रिजल्ट्स देखिए इस बार, तो आपको दिखेगा कि यहां पे मेजॉरिटी लोगों ने ऑप्शन ए को मार्क किया, 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 55% लोग ऑप्शन ए की तरफ है, एक इंसान है ऑप्शन बी की तरफ, 5 है ऑप्शन सी की तरफ और 3 है ऑप्शन डी की तरफ। नो मंदीप, अच्छा मैं जानना चाहता हूं ये ऑप्शन बी किसने मार्क किया, ये ऑप्शन भी किसने मार्क किया है, खुद को अनम्यूट करके बताए। हाँ श्रेष्ठ, यस सर। हाँ श्रेष्ठ बोलो, आपने ऑप्शन भी मार्क किया था? नो सर। अच्छा मार्क किया सर। अच्छा ऑप्शन भी किसने मार्क किया, सिर्फ एक इंसान है जिसने ऑप्शन भी मार्क किया, कौन है वो, कौन है वो? अरे मैं डरा नहीं रहा हूं, उसने सही आंसर मार्क किया है। आप बताओ कौन है? ये देखो बता नहीं रहा है। चलो हाँ पल्लवी, देखो समझो बात को कि यहां पे क्वेश्चन में आप 3 डिजिट नंबर बनाना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने उसके लिए 3 डैशेस दिए, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है, कंडीशन है 2 कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन है कि हम जो डिजिट यूज करेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं में से कोई होगा। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि इट शुड बी विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब सुनो, अब मान लो कि हम बात करते हैं, आप यहां से शुरुआत कर रहे हो, आप यहां से नंबर सिलेक्ट करना का शुरुआत कर रहे हो, तो इस रास्ते को पहले डिजिट को फिल करने के कितने रास्ते होंगे बता सकते हो क्या? लेट्स से मैं किसी को पूछता हूं अनम्यूट करने के लिए। आशुतोष, आशुतोष एक बार अनम्यूट करो खुद को। आशुतोष कुमार सिंह अनम्यूट कीजिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको मजा आएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलते रहूंगा तो इट्स गोइंग टू बी बोरिंग यार। आशुतोष, चलो आयुषी ने चैट में बोला है, आयुष आई थिंक आयुष, यस आयुष एक बार आप अनम्यूट करके बोलो। पांचों में से सर कोई भी डिजिट हो सकता है। वेरी गुड, हमारे पास 5 ऑप्शन थे, 5 में से हम कोई भी यहाँ पे लगा सकते थे, राइट। तो इसको फिल करने के 5 वेज हो गए। अच्छा अब बताओ, मान लो कि इसको फिल करने के बाद अब आप फिल करना चाहते हो 10th प्लेस को, इसको फिल करना चाहते हो, इसको फिल करने के फिर कितने रास्ते होंगे? 4। क्यों उज्जवल, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? यस सर, विदाउट रिपीटेशन तो एक को छोड़ ही देंगे ना जिसको फर्स्ट प्लेस पे लिए। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास 5 में से कोई एक ही डिजिट यूज कर सकते थे, उसमें से एक तो 100th प्लेस पे जा चुका ना, 100th प्लेस पे जा चुका, अब क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से सेकेंड पोजीशन को फिल करने के कितने रास्ते हुए? उसको फिल करने के 4 रास्ते हुए, उसको फिल करने के 4 रास्ते हुए, समझ रहे हो ना? अच्छा ये होने के बाद तीसरे प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, उज्जवल को छोड़कर? एक्सप्लेन करो हर्ष, 3 कैसे, ऑप्शन तो 5 थे ना हमारे पास।
सो फर्स्ट प्लेस पे कोई डिजिट आप ले लिए, फिर सेकंड डिजिट पे कोई अदर डिजिट ले लिए, और विदाउट रिपीटेशन चाहिए, तो हम मेरे पास तीन ही ऑप्शन बचा। एग्जैक्टली, पांच था, पांच में से एक हंड्रेड पे निकल गया, एक टेंथ पे निकल गया, तो लास्ट वाले के लिए तीन ही ऑप्शन बचा ना, लास्ट वाले के लिए तीन ही ऑप्शन बचा, तो इसको फिल करने के कितने हुए, इसको फिल करने के तीन रास्ते हुए, तो फाइनली 5 × 4 × 3 कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 60 वेज। अच्छा 60 क्यों, क्योंकि मुझे पहला भी फिल करना है, एंड मुझे दूसरा भी फिल करना है, एंड मुझे तीसरा भी फिल करना है, मुझे तीनों काम करने थे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी तीनों का इंडिविजुअल का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 × 4 × 3 हो गया 60 वेज, और यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। Hundreds place digit can be selected in 5 ways. Tens place digit can be selected in 4 ways. Units place can be selected in 3 ways. So total number of ways ho gaya 5 × 4 × 3, 60. 5 × 4 × 3, 60. Achha guys, agar main yahan pe with repetition kar deta, agar main repetition allow kar deta, fir answer kya hota? Agar main yahan pe repetition allow kar deta. पल्लवी, क्या आप अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो? ट्राई डॉट पल्लवी, जब आप एक्सप्लेन कर लोगे ना तभी दिमाग से कंफ्यूजन निकलेगा, बोलिए। आंसर सही है आपका, आप अनम्यूट करके बताओ। इनका माइक वर्क नहीं कर रहा है। ओके, एनीवन एल्स? आयुषी, विल यू ट्राई? यस सर। हाँ बताइए। सो फर्स्ट प्लेस पे हम 5 वेज रख सकते हैं क्योंकि 5 डिजिट्स हैं, तो हाँ। तो सेकंड प्लेस पे 5 वेज क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है, तो रख सकते हैं। विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन, सॉरी विद रिपीटेशन। तो सेकंड के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन है सेकंड प्लेस को फिल करने, एंड तीसरे पोजीशन को फिल करने के भी 5 रास्ते, 5 वेज है, तो टोटल हो गया 5 × 5 × 5 = 120। अच्छा ये मत सोचना कि वेज इनटू वेज इनटू वेज वेज का क्यूब हो गया, ठीक है ना मनदीप? आपने जो ऑप्शन डी रखा था उसमें आपने रिपीटेशन काउंट किया था मेरे ख्याल से। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है कि विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन में अंतर क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक और प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है? ये कहता है इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई काम एम तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा काम अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, इसका मतलब केस क्या है? इवेंट वन, इसको करने के एम रास्ते हैं। इवेंट टू, इसको करने के एन रास्ते हैं। तो either event one or event two, इस लाइन को ना गाइस अच्छे से समझना है आपको। either event one और event two का मतलब क्या हुआ? या तो पहला होगा या दूसरा होगा, दोनों नहीं होने वाला। या तो पहला होगा या दूसरा होगा, दोनों नहीं होने वाला। तो उस केस में उसका जो आंसर होगा that will be m plus n। तो जब ये और होता है कहने के लिए, जब दो इवेंट्स के बीच में और लगेगा, तो हम वहां पे करते एडिशन। पिछला मल्टीप्लीकेशन में क्या था? हमको इवेंट वन को भी परफॉर्म करना है, हमको इवेंट टू में भी परफॉर्म करना है, हमको इवेंट वन में भी परफॉर्म करना है, हमको इवेंट टू में भी परफॉर्म करना था, टू को भी करना था, तो उस केस में मल्टीप्लाई। लेकिन यहां या तो वन होगा या टू होगा, इधर वन और टू, तो इसीलिए एम प्लस एन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक एंटरटेनमेंट
मॉल गए, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट मॉल में गए, एंटरटेनमेंट जोन में गए, आजकल तो कंटेनमेंट जोन हो रहा है वैसे, लेकिन मान लो कि एंटरटेनमेंट जोन में गए, और वहां पे दो चीजें चल रही थी, एक चल रही थी मूवीज, एक चल रही थी मूवीज और एक चल रहा था प्लेज। मूवी मतलब फिल्म हो गया बॉलीवुड वाला, और प्लेज में वो नाटक चल रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर महाभारत वगैरह टाइप। तो लेट से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, यू वॉन्ट टू एंटरटेन यूर सेल्फ। क्या हुआ, आज बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो गया, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं अब खुद को रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट मॉल पहुंच गया, अब वहां पे मैं देखा कि मूवीज चल रही है, प्लेस चल रहा है, पैसे है नहीं ज्यादा, ठीक है, तो या तो मैं मूवीज देखूंगा या प्लेस देखूंगा। और मैं आपको केस दे देता हूँ, लेट से कि मेरे पास चार मूवीज हैं, चार मूवीज चल रहे हैं, किसके किसके चल रहे हैं, तो मान लो एक ऋतिक रोशन का चल रहा है, एक हमारे SRK का चल रहा है, गर्ल्स को SRK बहुत पसंद है, एक सलमान खान, जिनको जिनको लॉजिक नहीं चाहिए मूवी में वो सलमान खान की मूवी देखते हैं, और जिनको बहुत लॉजिक चाहिए वो आमिर खान की मूवी देखेंगे, मान लो। तो ये चार मूवीज चल रही है, और मान लो कि तीन प्लेस चल रहे हैं, एक महाभारत, एक रामायण और एक पॉलिटिक्स के ऊपर कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, तो समझ रहे हो केस क्या है, बहुत पढ़ाई हो गया, दिमाग खराब हो गया, मॉल में गए, मूवीज चल रहा था, प्ले चल रहा था, 3 घंटे का देखना है, या तो एक मूवी देखोगे या एक प्ले देखोगे, या तो एक मूवी देखोगे या फिर एक प्ले देखोगे, और आपके पास ये ऑप्शन थे, ठीक है। अब बताओ कितने तरीके से होगा काम, कितने तरीके से आप खुद को एंटरटेन कर सकते हो। थैंक यू उज्जवल, उज्जवल कह रहे सर आपका एग्जांपल सुपर्ब रहता है। कितने तरीके से खुद को एंटरटेन कर सकते हो, चैट में अभी तक मनदीप, आयुषी, केशव, उज्जवल ने तो सही आंसर दिया है, आयुष ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड केशव। अब जिन जिन लोगों ने आंसर किया है, इसी में से मैं किसी को बोलता हूं अनम्यूट करें। विवेक थोड़ी सी गलती हो रही है, पल्लवी थोड़ी सी गलती है यहां पे, अभिषेक श्रेष्ठ गलत है। अभिषेक आपने एक बार भी आपकी आवाज सुनी नहीं है, चलो हाय बोलो एक बार पहले। हेलो, हाँ अब जो आंसर बताए थे उसको एक्सप्लेन करो, आंसर बताओ ना चैट में, उस आंसर को एक्सप्लेन करो, कैसे आपको लगता है वो आंसर होगा, बताओ सही होगा गलत होगा भूल जाओ, जो आपके दिमाग में आया था जिससे आपको वो आंसर मिला बताइए। सर एक बार में तो एक ही चीज कोई देखेगा ना, या तो मूवी देखेगा या तो प्ले देखेगा। एग्जैक्टली, या तो मूवी देखेगा या प्ले देखेगा। तो 4 plus 3 किया आपने, 7 किया, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू, सही है। पल्लवी आपका भी सेम लॉजिक रहेगा, आपका आंसर सही है। ओके, आपकी माइक भी ठीक हो गई अभी। यस सर। ऋषभ मैंने बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं सुनी, एक बार अनम्यूट करो खुद को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऋषभ, अब गुड आफ्टरनून हो जाएगा थोड़ी देर में। कितना बोलो आंसर? 4 plus 3 7। 4 plus 3 समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि yes, या तो आप एक मूवी देखोगे या एक प्ले देखोगे, ठीक है। yes, sir. अब मूवी को देखने के कितने तरीके हैं? 4। मूवी को देखने के चार में से कोई एक, चार तरीके हैं, मतलब मूवी देखने के हम चार ऑप्शन है। यस सर, मूवी देखने का तो एक ही तरीका है, जाके बैठ के देखना है। लेकिन ऑप्शन कितने हमारे पास? ऑप्शन तो हमारे पास चार ऑप्शन है। प्ले के कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। तो टोटल हमारे पास, लेट से मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, M1, मान लो कि मैं ना बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था और वहां मैं देख रहा हूँ M1, M2, M3, M4, ये मेरे मूवीज के ऑप्शन हो गए। अब P1, P2, P3, ये मेरे प्लेस वाले ऑप्शन हो गए। तो अब आपके पास क्या है, आप यहाँ पे या देख रहे थे, आप या तो ये पकड़ोगे, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, राइट, या ये होगा, या फिर फाइनली ये हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हुए?
मेरे पास फाइनली ऑप्शंस हुए सेवन, मेरे पास फाइनली ऑप्शंस हुए सेवन वे. अच्छा अब यहाँ पे कुछ बेसिक सा डाउट होंगे लोगों के. आयुष, मैं आपके नाम से कंफ्यूज नहीं हूँ, आयुष एक आयुष है और एक आयुषी है, तो मैं जब कभी आयुषी का नाम ले रहा हूं तो शायद आप आयुष सुन रहे हो उसमें, ठीक है. ओके तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे समझिए कि यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया. आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया. तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक या कंडीशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन है कि हमको दोनों करना होता है. हम मतलब एक मूवी भी देखेंगे और एक प्ले, ज्यादा पैसे हमारे पास, ज्यादा टाइम है, घर वालों को पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, मजा करना है. उस टाइम पे एक मूवी भी देखेंगे, चाहे चार मूवी भी देखेंगे, वहां पे एक मूवी और एक प्ले चलेगा, राइट. तो मल्टीप्लीकेशन होता है जब दोनों करते हैं. अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल इधर आई विल गो फॉर अ मूवी, या तो एक मूवी देखेंगे या फिर एक प्ले, दोनों नहीं करने वाले, दोनों में से कोई एक करेंगे. और जब दोनों में से कोई एक करा जाता है तो वहां पे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब दोनों करना होता है उस टाइम पे हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं. मंदीप एक के बाद एक. अब आपको अंतर समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन वाले में क्या था, एक के बाद एक दोनों करना था, एडिशन में क्या है, या तो एक, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों लेकिन नहीं होगा, राइट. तो चलो अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस, अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है, दो तीन क्वेश्चंस तो हम इजीली कर पाएंगे. अच्छा एक और एग्जांपल लो पहले, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, खुद से बनाता हूं. अच्छा मैं जो अभी एग्जांपल लिखूंगा ये लगभग 20-25 साल पहले आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, आईआईटी जेई में आया वो क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन विल बी, और आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, जेई का लेवल डे ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है, 30 साल पहले बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते थे. मान लो आप अभी दिल्ली पे खड़े थे, ठीक है, और आपको जाना है आसाम, दिल्ली पे खड़े थे आपको जाना है आसाम, और अब आपके पास दो ऑप्शन थे. ऑप्शन क्या था, या तो आप बिहार होकर जाओगे या फिर बंगाल होकर जाओगे. अब रियलिटी में मत जाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मतलब सर दिल्ली से आसाम जाने के लिए बिहार तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, एग्जांपल दे रहा है भाई कि फ्लाइट से गए थे, ठीक है, तो जो फ्लाइट है वो दिल्ली से बिहार पे जाएगी, और फिर बिहार से अगला फ्लाइट पकड़ोगे, या फिर दिल्ली से पहले बंगाल की फ्लाइट और बंगाल से आगे जाओगे, ठीक है. चलो अब यहाँ पे हम केसेस लेते हैं कि दिल्ली से बिहार के हम मान लेते हैं तीन रास्ते, एंड दिल्ली से बंगाल के मान लेते हैं हम लोग चार रास्ते, और आगे बंगाल से इसके तीन कर लिए, और यहां पे बिहार से असम जाने के बहुत सारे रास्ते बना दिए, ठीक है ना, इतने सारे रास्ते बना दिए, क्लियर है. तो अभी आप कहां पे थे, आप अभी यहां पे हो, यहां पे आप हो, एक आंख वाले, ठीक है. आपको जाना किधर है, आप जाना चाहते हो आसाम, या तो बिहार से होकर जाओगे या फिर आप बंगाल से होकर जाओगे. तो बताइए आप कितने तरीके से दिल्ली से आसाम पहुंच सकते हो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू रीच आसाम फ्रॉम दिल्ली, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिहार होकर ही जाना पड़ेगा या फिर बंगाल होकर ही जाना पड़ेगा. केशव डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको या तो बिहार पे उतरना पड़ेगा, जो फ्लाइट है वो पहले बिहार लैंड करेगी या वो फ्लाइट पहले बंगाल लैंड करेगी, इतना तेल वाला कैपेसिटी वाला नहीं है.
हर्ष हर्ष ने बोल दिया मोर देन 10. अरे हर्ष मोर देन 10 में तो 11 12 13 14 15 16 1 करोड़ 2 करोड़ सब आता है. बी अ गिव अ स्पेसिफिक आंसर. ओके सो अभी तक मैं अगर देखूं तो जितने लोगों ने आंसर किया है चैट में उसमें से कितनों ने सही किया मैं उनका नाम ले रहा हूं. सो मनदीप ने सही आंसर किया है और केशव ने सही आंसर किया. हर्ष आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हो. सर बिहार टू आसाम का रास्ता क्लियर कहां है? हर्ष एक बात बताओ, बिहार में रास्ता क्लियर कहां है यार? और हम फ्लाइट से जाना है. फ्लाइट में कौन सा रास्ता देखना है? ट्राई कीजिए. सैफ, उज्ज्वल, आयुषी, अदिति, आयुष, अभिषेक, अभी आंसर गलत है. नहीं नहीं विवेक गलत है गलत है. यस ओम सही है. अभी ओम एक बार अनम्यूट करके एक्सप्लेन करोगे क्या कैसे आपका आंसर आया? ट्राई कीजिए. ओम नेटवर्क इशू. अच्छा अच्छा आयुषी यू गॉट द आंसर वेरी गुड. अदिति एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को. आदिति कुमारी देखो क्या है अब इसको समझते हैं थोड़ा सा. देखो क्या है ना मेरा टारगेट क्या है. मेरा टारगेट है दिल्ली टू आसाम जाने का. अब ऐसा पॉसिबल अब केस कैसा होगा कि पहले या तो दिल्ली से बिहार गए एंड फिर बिहार से आसाम गए और दिल्ली से बंगाल गए एंड फिर बंगाल से आसाम गए. ठीक है ना. तो केस क्या है दिल्ली से बिहार फिर बिहार से आसाम या फिर दिल्ली से बंगाल और फिर बंगाल से आसाम. तो ध्यान से देखो अगर मैं इधर रिलेट करूं ना तो ये और आ गया बीच में. और आने का मतलब क्या है? और आने का मतलब है कि ऊपर वाला केस का जितना वेज होगा प्लस नीचे वाला होगा प्लस नीचे वाले के टोटल केसेस होंगे. ठीक है. अच्छा ऊपर वाले की अगर थोड़ी सी बात करें ऊपर वाले केसेस की अगर थोड़ी सी बात करें तो यहां पे थोड़ा इमेजिन करो यार इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज लाइक दिल्ली टू बिहार. दिल्ली टू बिहार एंड बिहार टू दिल्ली है कि नहीं. बिहार टू आसाम सॉरी. तो आप पहले दिल्ली से बिहार जाओगे उसके बाद बिहार से आसाम जाओगे तो आपको दोनों काम करना है. आपको दोनों काम करना है. आप ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली टू बिहार जाके बैठ गए. आपको बिहार से आसाम भी आगे जाना है. ठीक है. तो दोनों के बीच में एंड लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही दो काम हो रहे दो इवेंट हो रहे हैं. दिल्ली टू बिहार एक इवेंट बिहार टू आसाम जाने का दूसरा इवेंट. सिमिलरली अगर नीचे की बात करें तो
दिल्ली टू बंगाल, दिल्ली टू बंगाल एक इवेंट एंड बंगाल टू असम दूसरा इवेंट, दिल्ली टू बंगाल एक इवेंट एंड बंगाल टू असम दूसरा इवेंट, ठीक है। तो चलो वो ग्रीन वाला जो लिखा था ना उसके केसेस को काउंट करते हैं। तो दिल्ली टू बिहार जाने के कितने रास्ते मैंने बनाए हैं, तो दिल्ली से बिहार जाने के मैंने 3 रास्ते बनाए थे। यस सैफ, सैफ ओम अर्णव सही है। तो दिल्ली से बिहार जाने के 3 रास्ते हैं और बिहार से आसाम जाने के कितने ब्लू कलर लाइंस कितने बनाए, 6 बनाए। तो देखिए जो ग्रीन कलर वाला लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर वाला लिखा हुआ है दिल्ली टू बिहार एंड बिहार टू आसाम, तो ये हो गया 3 × 6 18 वेज। नेक्स्ट है दिल्ली टू बंगाल एंड बंगाल टू आसाम, तो दिल्ली से बंगाल आने के कितने रास्ते हुए, 4। अब बंगाल से आसाम जाने के कितने रास्ते हुए, 3। तो ये कितना हो गया उस हिसाब से, 4 × 3 = 12। अच्छा आप में से कुछ लोग सीधा सबका एडिशन कर रहे हो, कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे 16 बोला है आंसर, बट वो गलत हो गया ना। एडिशन कब परफॉर्म करते हो, जब सब सारे ऑप्शन में से कोई एक काम करोगे। एडिशन कब करते हो, जब सारे ऑप्शन में से कोई एक ही काम करोगे, सिर्फ तब करते हो, सिर्फ तब करते हो, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करो ना केसेस को, और कहाँ पे है एंड कहाँ पे है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। और समझ रहे हो ना, दिल्ली बिहार असम या फिर दिल्ली बंगाल असम, तो ये या वर्ड जो है वो और हो गया। अब दिल्ली बिहार असम में क्या है, दिल्ली से बिहार फिर बिहार से असम, दिल्ली से बिहार फिर बिहार से असम, तो यहाँ पे एक के बाद दूसरा काम भी आप कर रहे हो साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए दिल्ली से बिहार के 3 रास्ते थे, बिहार से असम के 6 रास्ते थे, और दोनों करने के 3 × 6 = 18 रास्ते हो गए। सेकेंड वाला दिल्ली से बंगाल, बंगाल से असम, तो दिल्ली से बंगाल के 4 रास्ते, बंगाल से असम के 3 रास्ते, क्योंकि दोनों काम परफॉर्म करना था, तो 4 × 3 = 12 वेज हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला सिनेरियो का 18 तरीका, नीचे वाला सिनेरियो का 12 तरीका, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही, या तो आप ऊपर वाला रास्ता से जाओगे या फिर नीचे वाला रास्ता से जाओगे, तो या वर्ड मतलब और हुआ, तो और के कारण हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज will be equal to 18 plus 12 which is 30, अच्छा आया क्या समझ में आप सबको ये question, आया समझ में आया तो एक बार yes पे click करो। अभी जो मैंने explanation दिया उस explanation से clear है, क्लियर है तो एक बार यस पे क्लिक करो। तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे, पता है यस पे कैसे क्लिक करते, पार्टिसिपेंट में जाओ, मोड पे जाना, देखो वहां येलो कलर का बटन होगा यस वाला। अभी यहाँ पे 20 लोग जुड़े हुए हो, 20 में से अभी 4 लोगों ने यस पे क्लिक किया हुआ है, 6 लोग हो गए। अच्छा जिसको नहीं क्लियर है वो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं यार, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करे, टेंशन मत लो, कहाँ दिक्कत है आप पूछ सकते हो। 10 लोगों ने यस पे क्लिक किया, 50% हो गए। अमृत, अंकित कोई दिक्कत, केशव कोई दिक्कत, केशव ने वैसे चैट में तो रिप्लाई किया है, क्लियर है। प्रिंस, प्रफुल, प्रफुल आपके एंड से कुछ सुना नहीं मैंने, पूरे 1.5 घंटे में एक मैसेज भी नहीं आया। इस तरीके से प्रफुल थोड़ा सा आपको, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे थोड़ा, मतलब अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं हर एक स्टूडेंट को उठाकर क्वेश्चन पूछता, जो मेरा स्टाइल है, बट अभी क्या है कि ऑनलाइन क्लास है तो मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं आपका नाम लूं, आप चैट के थ्रू या तो रिप्लाई करोगे या फिर अनम्यूट करके बताओगे। अगर आप दोनों नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन है भाई, कान पकड़ के पूछ भी नहीं सकता।
अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स खुशी, आप अभी चाहो तो अपना एनसीईआरटी से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। एक्सेस एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है ना, आप उससे शुरू कर लो, या फिर आपने अगर आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा बाई किया हुआ है तो मैंने अभी तक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अगली जो क्लास होगी ना इस हफ्ते में, वहां पे मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और अब हम अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे। आप अभी आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा से शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो इट वॉज द फर्स्ट क्लास राइट, और मिल जानता भी नहीं हूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। रेफरेंस बुक श्रेष्ठ, इफ यू आर प्लानिंग फॉर जेई सिंसियरली ना, आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विथ अरिहंत। संगीज बाई मत करना, अरिहंत बाई करो, लेकिन अरिहंत में क्या है कि क्वेश्चन वगैरह थोड़े से कम है, तो इट्स बेटर कि आप अभी एक संगीज वाली बुक लो और एक आरडी शर्मा पकड़ लो। आरडी शर्मा का एक ऑब्जेक्टिव आता है, नॉट ट्रेडिशनल आरडी शर्मा, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव एंड अरिहंत, इट शुड वर्क फाइन। बाकी बुक्स वगैरह तो यू नो व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लासेस प्रॉपरली तब कर सकते हैं। यस विवेक, शुरुआत आपको उसी से करना होगा, एनसीईआरटी से शुरुआत करना होगा। एसएल लोनी रखे हुए मंदीप, बढ़िया है। एसएल लोनी अच्छी बुक है मंदीप, लेकिन क्या है ना कि डिफिकल्ट बुक है, मतलब। और आज के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग्स जो है ना, जो उन्होंने अपना स्टडी मटेरियल बना रखा है, या इवन मैं संगेज या अरिहंत की बात करूं, तो उन्होंने जो जेई के लिए जो कंपाइल्ड बुक बना रखा है ना, तो उसमें ये एसएल लोनी वगैरह के जो क्वेश्चन चाहिए जेई लेवल के लिए, वो उन्होंने अपने मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू बाई अ पर्टिकुलर बुक एज सच। यस मॉड्यूल आएगा आप लोगों को, मॉड्यूल आएगा, वी विल टीच फ्रॉम आर मॉड्यूल। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और कुछ शीट्स वगैरह डीपीपीज वगैरह भी हम लोग देंगे सर। यस अभी जो टीचर डेमो क्लास ले रहे हैं, क्या वही ऑफलाइन होगा तो वही टीचर हम लोग को पढ़ाएंगे या कोई और टीचर? बैचेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, हम कितने बैचेस ले रहे हैं, बट यस हम भी कुछ क्लासेस ले रहे होंगे, और नेक्स्ट वीक भी आपके जब डेमोज होंगे तो कोई दूसरे टीचर, जो जो आपकी क्लासेस लेने वाले वो सारे टीचर्स डेमो ले रहे होंगे, तो हम भी रहेंगे और भी कुछ टीचर्स, और कितने, और आई थिंक 2-3 टीचर्स हैं जो डेमो लेने वाले हैं, तो हम ही लोग रहने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं होगा, जो आपका डेमो ले रहा है वही आपकी क्लासेस में रहेगा। और जनरली क्या होता है ना कि हम पूरा चीज नहीं पढ़ाते, मतलब लेट्स से कि मैंने एक बैच में इतने टॉपिक्स को मैंने डील किया और दूसरी फैकल्टी कुछ टॉपिक्स को डील करेगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। रिकॉर्डेड वीडियो तो मंदीप आप लोगों के ग्रुप पे आ जाएगा, ये ग्रुप पे आ जाएगा, अभी जितना ये मैंने लिखा है ना इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये जो भी चीजें लिखी है मैंने इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है। डोंट हैव टू वरी अबाउट, सी राइट नाउ तो इट्स अ डेमो क्लास, नॉर्मल क्लास होगी और अच्छे तरीके से डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी तो मुझे दिख रहा है कि आई हैव टू डेमो क्लासेस विद यू, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया है, बट यस जब हमारे क्लासेस और ज्यादा होंगे और अच्छे से डिस्कशन होगा। आप भी तो आपके मन में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग अभी 10th का बोर्ड कैंसिल हो गया, बहुत डाउट्स चल रहे होंगे माइंड में, बट द गुड थिंग इज कि आप इसको पॉजिटिवली देखना चाहते हो, बिकॉज सी हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या था कि यार बोर्ड एग्जाम अगर आप दे पाते ना तो एक प्रेशर क्या होता है झेलना, वो सीखते। अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह अपने कोचिंग्स वगैरह में किया हुआ है, अगर आपने 3-3 घंटे के पेपर लिखे हुए हैं 50 बच्चों के बीच में बैठकर, तो प्रेशर आपने कहीं ना कहीं फील किया हुआ है। अब 12th का जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, बोर्ड एग्जाम जो होता है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 10th के मुकाबले, बहुत ज्यादा। आप किसी भी उस बच्चे से पूछो ना जो अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता देगा वो कि 10th बहुत आसान था। 10th मैं अपने हर क्लास में यही बोलता हूँ कि 10th का बोर्ड जो है वो आपकी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होता है, ठीक है ना, सबसे आसान एग्जाम। तो रहा जैसे 12th, साथ ही में आपको जेई करना है, नीट करना है, तो भी आपको ज्यादा चीजें पता नहीं है, साथ ही साथ बाहर नहीं निकल सकते हो, बाहर इतना नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है। बट अब पॉजिटिव साइड देखो इसका, पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता तो अगले 1.5 महीने तक आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगे रहते, उसके बाद 10-15 दिन का ब्रेक लेते और आप अपनी पढ़ाई कहीं ना कहीं जुलाई से शुरू करते,
अब आप अपनी पढ़ाई को मई से शुरू कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम का जो होना था वो तो हो चुका है। पॉजिटिवली देखेंगे तो हमारे पास मई से ऑप्शन आ गया, 2 महीने एक्स्ट्रा है। और अगर जो लोग जेई या नीट के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा डरा देता हूं, 2021 से ये वाला साल, 2023 में जनवरी में जेई का पहला अटेम्प्ट होगा और 2023 के अप्रैल मई में नीट का पहला अटेम्प्ट होगा। तो आपके पास 2 साल भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है, 2 साल भी नहीं है, उसमें इतनी सारी छुट्टियां आएंगी, तो प्रिपरेशन के लिए टाइम, लेकिन सबको यहीं से शुरू करेंगे। अभी जितने लोग आगे जाके जेई या नीट करने का सोच रहे थे वो सब भी अब आप ही के साथ मई के महीने में वो लोग भी इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, और अल्टीमेटली आप चूज करोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। बट पॉजिटिवली देखना खुद को ना, खुद के अंदर से नेगेटिविटी को हटाओ, जो होना था हो गया, आपके पास ऑप्शन है, अपने करियर को अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। खेलना कूदना ऐसे भी बंद है, पहले तो बहाना था कि सर खेलने चला गया, ये करने चला गया, एक बस आईपीएल का सहारा है 3-4 घंटे का, जो क्रिकेट नहीं देखते वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे अभी, और तो पढ़ाई कर लो, थोड़ा फुटबॉल देख लो, थोड़ा टीवी देख लो, न्यूज वगैरह मत देखना, न्यूज वगैरह में नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें देखो, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, गेम वगैरह खेल लो थोड़ा सा, बट पढ़ाई कहीं पे भी हैम्पर मत होने देना बस। मनदीप एक काम करो ना, एक बार आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, बैच कोऑर्डिनेटर राकेश सर, शिवम, किसी से भी पूछ लो, दे विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। यस आई थिंक सेमिनार के टाइम पे तो मैं था ही बेगूसराय में, आप में से कुछ लोगों ने मेरे को देखा होगा वहां पे। हर्ष क्लास ड्यूरेशन जनरली 1.5 घंटे का चलता है, अभी जैसे हमारा जो 11th का बैच था क्योंकि वो ऑनलाइन के कारण लेट शुरू हुआ था, तो हम रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे उनकी क्लास चल रही थी 3-3 घंटे का। आयुष जेई की पढ़ाई बैच शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाएगी, बैच शुरू होने के बाद ही शुरू हो जाएगी यार। मनदीप राइट नाउ आई इन छपरा, ओके, सो इट्स श्रेष्ठ पूछ रहा है हाउ मेनी शुड बी स्टडी, हाउ मेनी आवर्स, आई थिंक श्रेष्ठ आप पूछना चाहते हो हाउ मेनी आवर्स। तो श्रेष्ठ ऐसा कोई एक फिक्स्ड वो नहीं है कि आपको डेली 6 घंटे पढ़ने या डेली 8 घंटे पढ़ने। आप जब क्लासेस करोगे तो आपको जो टीचर एक टास्क देगा, मान लो कि जैसे परम्यूटेशन हम पढ़े हैं, ठीक है, जब 1-2 क्लासेस हो जाएगा परम्यूटेशन का तो एक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क में 30-40-50 क्वेश्चन होंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसके बेसिस पे। अब वो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जितना टाइम लगे, दैट मेनी आवर्स यू नीड टू पुट। मान लो कि कोई स्टूडेंट 50 क्वेश्चन को करता है 5 घंटे में, कोई करेगा 6 घंटे में, तो उसको 6 घंटे देना है, उसे 5 घंटे देना है, दिस इज हाउ इट शुड वर्क। और स्टार्टिंग में जब अपन कहते हैं ना 20-21 दिन तक अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो, डेली 5-6 घंटा भी मिनिमम अच्छे से पढ़ते हो, 6 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हो ना अभी से, तो यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन। लोग जो लोग जेई की तैयारी शुरू करते हैं और लास्ट में गिव अप कर जाते हैं बिकॉज वो ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते। आप में से कितने लोग अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाए होंगे, बहुत कम है कि नहीं, बहुत कम लोग थे जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे। बट वो इंपॉर्टेंट चीज वहां पे जरूरी होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज वहां पे जरूरी होगा, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ब्रेक्स चलेगा, हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई किया 1 दिन मस्ती किया, बट दैट 6 डेज शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। सीट देख लो कितने हैं, उसमें भी कैटेगरी में बढ़ जाता है। अगर आपको उसमें से भी कुछ फेमस जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह लेना है तो उसके लिए और माथापच्ची है, मतलब और कॉम्पिटिशन ज्यादा है। लेकिन क्या हमको उसके नेगेटिव साइड्स को देखना चाहिए? नहीं, वी शुड लुक एट द ब्राइट साइड, पॉजिटिव साइड, कि इफ यू गेट अ वेरी गुड रैंक देन करियर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है ना। आप ऐसे सोचो ना कि इस कोरोना टाइम पे कोई आईआईटीएम का भी भूखा नहीं मारेगा, ही विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी, घर पे बैठ के भी 1,00,000 रुपए कमा रहा होगा कम से कम, राइट। बट आप अगर वहां पे पहुंचना चाहते हो तो यू गाइज हैव टू इयर्स, ये 2 साल मेहनत कर लो अच्छे से, आगे आराम से रहोगे।
लेकिन अगर ये दो साल में मस्ती करते रह गए तो आगे लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है ना। ये दो साल विल डिसाइड आप अगले 20 साल 30 साल कहाँ रहोगे, ठीक है। ये याद रखना, ये दो साल डिसाइड करेगा अगले 20-30 साल आप क्या कर रहे हो। एंड इफ यू गेट इनटू एन आईआईटी लाइफ बिकम्स वेरी इजी यार, बहुत इजी हो जाता है। ओके चलो फिर, आई हैव अनदर क्लास, आई एम एंडिंग द सेशन हियर एंड मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।